वेलकम, मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हैं लाइव विद मुस्कान यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं सरसों का साग और साथ में चावल की रोटी। मकई की भी रोटी का भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन चावल की रोटी आज हम बनाएंगे। बहुत ही मज़े की और इजी रेसिपी, आप भी इस रेसिपी का जरूर ट्राई करें। चलिए आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने चावल काटा लिया था 2 कप, इसमें हम डालेंगे दूध। पहले अच्छे से छान लें, इसमें दूध जाएगा और साथ ही इसमें आए, अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें आस्ता आस्ता करके दूध डालते जाएंगे, एकदम सारा नहीं डालना, क्योंकि अगर इसमें हम एकदम सारा दूध डाल देंगे तो इससे हमारा आटा जो अच्छे से गूंधेगा नहीं। तो हम आहिस्ता आहिस्ता करके डालेंगे इसमें दूध और इसे अच्छे से सख्त करके गूंध लें आटे को। देखिए आटे को इस तरह मसल लेंगे हाथ की हथेली की मदद से। दूध और आटे में दूध और ऑयल डालने का मकसद ये होता है कि हमारी रोटी बहुत ही सॉफ्ट बनती है, इसे हमारी रोटी सख्त नहीं होती, सॉफ्ट बनती है। और इसके अलावा हमारी रोटी जब हम पका लेते हैं तो ठंडी होते वक्त हमारी रोटी बिल्कुल सख्त नहीं होती, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट और मुलायम होती। चलिए अब इसके पेड़े करेंगे। इस तरह लेंगे आटा लेंगे, ये देखिए इतना सा हमने पेड़ा लेना है। इसी तरह हम सारे बनाएंगे। देखिए हमने पेड़े बना लिए हैं, अभी इस प्लेट को साइड पे रखेंगे और रोटी बेल लेंगे। अभी इसे आहिस्ता आहिस्ता करके बेल लेंगे। ये देखिए हमारी रोटी बेल। इस रोटी को हम ज़्यादा बड़ा नहीं करते, छोटे ही साइज में रखते। कुछ लोग तो बिल्कुल छोटे, जिस तरह चपाती बनती है उस तरह बनाते हैं, बिल्कुल छोटे ये इतने मेरी को, लेकिन हमने फिर भी मीडियम साइज में रखी है रोटी। अब इसे उठाएंगे और तवे पे रखेंगे। थोड़ा सा ऑयल लगा लिए, अब इसे अच्छे से पकाएंगे एक साइड से। अब हम इधर से लहसुन की सबस जो जिसे हम पुक्के कहते हैं वो उतारेंगे, इस तरह बड़ी बड़ी उतार लेंगे, छोटी वाली नहीं उतार लें। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त, ये धनिया भी है, सबस धनिया भी है, गुलाब भी है और एलोवेरा जेल भी है। तो इस तरह एक ये वाले बड़े वाले उतारेंगे। चलिए जी बस ये देखिए हमने उतार लिए। अब हम साइड चेंज करेंगे, ये देखिए अच्छे से एक तरफ से पक गया। अब इसी तरह हम दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। अब हम ऑयल लगाएंगे, चम्मच की मदद से हम देखिए कितनी जबरदस्त और मजे की रोटी लग गई है, बिल्कुल वाइट बट। और अब हम ये हमारी रोटी बिल्कुल तैयार है, इसे उतार के इसी तरह हम सारी रोटी तैयार करेंगे। इस तरफ हमारा साग भी तैयार हो गया, दूसरी तरफ रोटी भी। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रोटी भी और हमारा साग भी बिल्कुल तैयार है। साग के ऊपर हमने देसी घी रखा है। देसी घी की बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है और मज़ा भी बहुत अच्छा, टेस्ट भी बहुत अच्छा इसका, और इसमें ताकत भी बहुत ज़्यादा होती है।
तो साथ ही हमारी ये चावल की रोटी भी देख सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए किस तरह, ये देखिए कितनी सॉफ्ट है, बिल्कुल सॉफ्ट है और बहुत ही मजे की होती है ये रोटी। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल लाइव विद मुस्कान को सब्सक्राइब करें ताकि इससे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।